बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 8 के वर्ड्स प्रॉब्लम के हवाले से पढ़ेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम ज़्यादातर HTS और NTS, OTS, BTS वगैरह के टेस्ट में आते हैं, और बहुत सारे दोस्तों को यही मसला होता है कि मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम इसके उसको पढ़ेंगे, और ये इतना मुश्किल नहीं है जितना बाज़ लोग इसे समझते हैं। हम आज वर्ड प्रॉब्लम्स की जो सलूशन है वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो आखिर तक देख लीजिएगा, इसमें जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम हैं आपने इसको समझना है, आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। इससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली लेक्चर्स और एंटरटेनमेंट वीडियो से आप बखूबी बाखबर रहें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते कि कहा जाता है कि थिंक अ नंबर बाय एडिट 2। एक नंबर को थिंक करो, लेट सपोज वी विल टेक अ नंबर वेरिएबल, ठीक है। हम सोल्यूशन में इसको किस तरह आगे लेकर जाएंगे, सबसे पहले हमें कहा जाता है कि थिंक का नंबर, हमने एक नंबर थिंक कर दिया, एक्स हमने ले लिया, बाय एड टू इसके साथ टू को ऐड करें, ठीक है। फिर कहा जाता है कि नंबर इज इक्वल टू 10, फिर ये नंबर इज इक्वल टू 10 लीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमें बताया जाता है कि व्हाट इज द नंबर रिक्वायर्ड, हमसे क्या मांग रहा है, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या आएगी इसे हम अब फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम इस ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 10, सो एक्स इज इक्वल टू 10, इस 2 को यहां पे ले आके ये प्लस टू माइनस टू बन जाता है, एक्स इज इक्वल टू 8 हमारे साथ आंसर है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर हमारे साथ जो क्वेश्चन है वो है इफ टू नंबर एडेड इज इक्वल टू 12 एंड डिफरेंस इज 4, फाइंड नंबर्स। यहां पे हमसे दो नंबर्स मांगे जा चुके हैं, ठीक है। इफ टू नंबर्स एडेड इज इक्वल टू 2, एक नंबर हमारे साथ, फर्स्ट नंबर हमारे साथ x हो गया और सेकंड नंबर हमारे साथ y हो गया। अब अगर x प्लस y की हम एडिशन ले तो ये 12 की बराबर होती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, जो यहां बताया जा रहा है कि एफ टू नंबर एडिड इज इक्वल टू 12 एंड द डिफरेंस इज 4 एंड द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है माइनस, अगर इसमें हम माइनस ले तो ये इक्वल होगा कितने का, 4 का। सो ये हमारे साथ इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमने एक्स या वाई को खत्म करके एक वैल्यू फाइंड करना है, फिर उसकी मदद से दूसरी वैल्यू जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। ये प्लस कर ले, ये वाला खत्म हो जाएगा, यहां पर 1 1 2 हो जाएगा 2x, ये दोनों भी जमा हो जाएंगे, डिवाइड टू बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड टू बोथ साइड, ये खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे 4 आएगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हम इसको उठा के या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या 2 में पुट करेंगे, ठीक है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, सो x की वैल्यू 4 है और y इज इक्वल टू 12, सो y इज इक्वल टू 12, 4 को यहाँ ले आएंगे, माइनस 4 हो जाएगा, और y 12 से 4 को मिनिमाइज करे, खत्म करे, तो यहां पे 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं।